नमस्कार दोस्तों मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चाहिए चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के नए कोलेब्रेशन के वीडियो में वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत थंबनेल देखा टाइटल भी आपने देखा हां दोस्तों पंद्रह हजार की लागत से घर पर ही दोस्तों हर माह आप तीस हजार कमा सकते हो आश्चर्य हो रहा होगा नहीं दोस्तों दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय देसी मुर्गी पालन का है यह व्यवसाय दोस्तों आपको यहां पर आसानी से हर माह तीस हजार की कमाई करके दे सकता है अगर आप छोटे से गांव देहात में हो तहसील जिले में या बड़े से बड़े नगर निगम या महानगर निगम में हो तो भी दोस्तों आप आसानी से इस इनकम को प्राप्त कर सकते हो आपके पास जमा पूंजी कम हो आपके पास जगह कम हो आपके पास अनुभव कम हो आपके पास दोस्तों कोई भी मार्केट का नॉलेज ना हो तो भी हाँ दोस्तों तो भी यह व्यवसाय आपको यहां पर तीस हजार की कमाई हर माह बैठे बैठे करके दे सकता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कोई भी बेरोजगार युवा हो युवती हो साथ ही में दोस्तों कोई दिव्यांग हो विकलांग हो साथ ही में कोई अबला स्त्री हो पुरुष हो या दोस्तों ऐसा एक दाम्पत्य बहुत बुजुर्ग हो चुका है जिनके पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति उठकर बिना अनुभव का दोस्तों इस व्यवसाय को शुरुआत कर सकता है व्यवसाय की शुरुआत करने के बाद दोस्तों आप आसानी से इसके माध्यम से जो है दोस्तों इतनी इनकम कमा पाओगे कि जितनी इनकम अभी आपकी तीन से लेके चार दिनों के भीतर भी नहीं हो रही है क्या फिर आप तैयार हो देसी मुर्गी पालन की इस संकल्पना को अपना कर दोस्तों पंद्रह हजार की जमा पूंजी से तीस हजार का मुनाफा प्राप्त करने के लिए दोस्तों यह शुरुआत होगी आगे चल के आप पचास से लेकर साठ हजार की जमा पूंजी इकट्ठा करके लाखों का मुनाफा भी कमा सकते हो लेकिन किसी भी बड़े व्यवसाय की शुरुआत किसी भी बड़ी मंजिल की शुरुआत छोटे छोटे इन जो है दोस्तों बातों से होती है बड़ा इनकम का समंदर वहां पर स्थापित करने से पहले दोस्तों इन छोटे छोटे झरनों का हमें जो है दोस्तों लाभ उठाना पड़ेगा झरने से नदियां बनती है नदियों से बड़ी नदियां बनती है और इन नदियों का मिलाप जब समंदर में हो जाता है तो ही समंदर अपने को गौरव गौरवान्वित महसूस करता है अगर आपको भी इनकम का समंदर कमाना है तो दोस्तों शुरुआत छोटी होनी चाहिए जमा पूंजी पंद्रह हजार ही रहने दीजिए इस जमा पूंजी से शुरुआती तौर पर मैं आपको हर माह तीस हजार और आगे चल के अगर ठीक ठाक ढंग से आप मेहनत करोगे तो दोस्तों लाखों का मुनाफा आपके सामने तैयार होगा दोस्तों आपको वहां पर जो है आसानी से मिल पाएगा क्या आप तैयार हो दोस्तों पंद्रह हजार की लागत से शुरुआत में तीस हजार और आगे चल के लाखों का मुनाफा कमाने के लिए दोस्तों अगर हां तो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए पसंद आया तो ही लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास कुछ भी करके यह वीडियो पहुंचा दीजिए पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हो रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मानता हूं अगर आप भी मुझे अपना मानते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएगी इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके साथ ही में दोस्तों आपकी मार्केटिंग की चिंता दूर करने के लिए हमने नया यूट्यूब चैनल तैयार किया है जिसका नाम है इंडियन किसान ये आगे चल के जो चैनल है दोस्तों ऐप का स्वरूप अख्तियार कर लेगा जिसके माध्यम से आपके यहाँ पर तैयार होने वाली हर मुर्गी हर मुर्गा अंडा और चूज़ा बेचा जाएगा अगर आपको इस चैनल का लाभ उठाना है तो दोस्तों कृपया डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की लिंक है सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं तो यूट्यूब पर आने के बाद सर्च कीजिए इंडियन किसान उसके बाद डबल आठ डाल दीजिए दोस्तों या फिर दोस्तों आप टाइप कीजिए आई एन डी आई ए एन स्पेस के आई एस एन स्पेस डबल आठ डालकर भी आप सर्च करके सब्सक्राइब करके सेवाएं उठा सकते हो तो देखिए दोस्तों यहां पर शुरुआत कैसी करनी है दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं दोस्तों भारतवर्ष की जनसंख्या को टटोल लीजिए सौ प्रतिशत में से दोस्तों छिया छियानवे से लेकर सतानवे प्रतिशत जनसंख्या दोस्तों बचत अभी नहीं कर पा रही दोस्तों सत्तर से लेकर अस्सी प्रतिशत तक जनसंख्या दो टाइम का जो रोटी के लिए बहुत झगड़ रहे हैं दोस्तों महंगाई बढ़ चुकी है और ऐसे में दोस्तों आप कमा कितने रहे हो दिन में दो सौ तीन सौ चार सौ या बहुत ज़्यादा पाँच सौ दोस्तों क्या होता है पाँच सौ में आपको पता है कि खाने के तेल का दाम क्या है पेट्रोल डीजल का दाम क्या है रसोई गैस का दाम क्या है दोस्तों ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति तो जी ही नहीं पा रहा है दोस्तों इतने आप फैमिली से दूर हो आप पंद्रह बीस हजार के लिए कितने दिन रात मेहनत कर करें ओवर टाइम कर कर के कर कर के दोस्तों उम्र घटती जा रही फिर दोस्तों कमा कमा के आखिर में फैमिली के साथ समय ही नहीं बिताना है तो क्या मतलब है उस कमाई का आप एक बार सोच कर तो देखिए दोस्तों कि आप दिल्ली में होंगे बंबई में होंगे या बाहर होंगे बाहरी देशों में तो ऐसे में आपकी कमाई क्या काम की दोस्तों जो कमाई के आपके ही काम में नहीं आएगी इसलिए दोस्तों घर पर ही बैठ के आप कहाँ भी बहुत बड़ी दिल्ली जैसे सिटी में भी दोस्तों यह व्यवसाय कर सकते हो लेकिन कैसे देख लीजिए दोस्तों रहा सबसे बड़ा सवाल जमा पूंजी का दोस्तों तो जमा पूंजी सिर्फ पंद्रह हज़ार है अभी जिसमें आप वीडियो देख रहे वह मोबाइल की कीमत दोस्तों पंद्रह हजार हो सकती है इसमें भी दोस्तों आपके पास पंद्रह हज़ार नहीं मिल रहे होंगे तो देख लीजिए दोस्तों दो चार माह काम कीजिए और उसमें से भी सोचिए कि आप पंद्रह हज़ार की राशि चार छः माह के बाद भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो दोस्तों आप कितनी बड़ी मुश्किल में हो कि छः छः महीने साल भर रुक रुकने के बाद आपके पास पंद्रह हज़ार नहीं जमा हो रहे तो दोस्तों आगे चल के आप आपके बच्चों के एजुकेशन हो शादियां हो इनका खर्चा कैसा उठा पाओगे दोस्तों इसलिए सोच कर दीजिए आंखें खोलने का यही समय है इसके माध्यम से दोस्तों आप आगे बढ़ सकोगे और मैं ये भी नहीं कहता कि आप पुराना व्यवसाय छोड़ दीजिए वह कर दीजिए दोस्तों आप उसके साथ देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय कीजिए मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके व्यवसाय से ज़्यादा इनकम आने वाले चार छः माह में मेरा मुर्गी पालन का व्यवसाय देगा कैसे देख लीजिए और शुरुआती तौर पर आधे मन से आधे ज्ञान से व्यवसाय के लिए शुरुआत मत कीजिए अगर आपको वीडियो देखने के बाद उचित लगता है तो ही व्यवसाय कीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं लेकिन फिर एक बार दोहराता हूँ दुनिया का इकलौता व्यवसाय दोस्तों की जिसमें अनुभव की नहीं तो दोस्तों आत्मविश्वास की ज़रूरत है जिसमें जमा पूंजी नहीं तो दोस्तों सच्ची लगन की ज़रूरत है जिसमें दोस्तों जोखिम नहीं है सिर्फ मार्केट की संभावनाएं इसलिए सोच कर देखिए शुरुआत कैसे करनी है बताता हूँ दोस्तों बारीकी से बताऊँगा वीडियो को कहाँ भी स्किप मत कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर पंद्रह हज़ार में क्या क्या करना है तो दोस्तों आप सभी को पता है देसी मुर्गियों का रेट दोस्तों देसी मुर्गी अगर हम गाँव देहात से खरीदते हैं तो तकरीबन एक चार के करीब करीब मिल जाती है देसी मुर्गा पाँच के करीब करीब इसमें आपका गाँव बदल गया ज़िला बदल गया राज्य बदल गया तो दोस्तों सौ दो का बदलाव भी हो सकता है मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि जो रेट पंजाब का है वही रेट यूपी का होगा जो रेट हरियाणा का है वही रेट बिहार झारखंड का है ऐसा नहीं है राजस्थान का रेट गुजरात में नहीं है गुजरात का रेट एमपी छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों असम उड़ीसा के रेट अलग अलग हो सकते हैं इसलिए देख लीजिए दोस्तों कि आप आपको पंद्रह हजार में क्या क्या करना है दोस्तों 8000 की मुर्गियां दोस्तों 20 खरीदनी है और 2000 के चार मुर्गे उसके बाद दोस्तों आपको बची हुई पांच हजार में हजार पाँच सौ डाल दिया तो दोस्तों सौ सौ अंडों के दो इंक्यूबेटर आ जाएंगे इसके माध्यम से आपका पूरा काम वहां पर हो जाएगा अभी आपका सवाल आएगा सर इंक्यूबेटर क्या होता है तो दोस्तों पी जो चूजे निकालने वाली मशीन है उसे इंक्यूबेटर कहा जाता है जिसमें सिर्फ अंडे डालने 21 दिनों के बाद आपको चूजे प्राप्त हो जाएंगे फिर यह मशीन कौन देगा दोस्तों यह मशीन अगर आपको उचित लगे तो मैं ही प्रोवाइड करता हूं दोस्तों भारतवर्ष में सभी को और इस मशीन के साथ दोस्तों गारंटी वारंटी आपको पूरा नॉलेज अंडे चुनने से लेकर चूजे निकलने का उसके बाद टीकाकरण का टाइम टेबल दिया जाता है उसके बाद दोस्तों आपको किस तरह से ब्रूडिंग की जाए और किस तरह से दोस्तों उनको खाना खिलाया जाए कितना ग्राम कब कैसे दोस्तों पूरी बातें बताई जाती है और इसके लिए कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है तो देख लीजिए दोस्तों कि सभी बातें आपके सामने जो है दोस्तों सूरज की रोशनी की तरह दोस्तों यहाँ पर मैं जो है बताने जा रहा हूं दोस्तों इसके माध्यम से उचित लगा तो ही व्यवसाय कीजिए तो हमें करना क्या है दोस्तों कि पंद्रह हजार की लागत में हमने हमारे पास बीस देसी मुर्गिया तीन देसी मुर्गे दो सवा अंडो के इनक्यूबेटर ला लिए अभी आपको इनक्यूबेटर बुक करना है उठाइए फोन मिलाइए नंबर चौरासी इक्कीस बयासी बासठ बासठ आठ चार दो एक आठ दो छ दो छे दो इन सर्दियों में इन संकल्पनाओं को दोस्तों लेकर आगे बढ़िए वैसे तो सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो कभी भी यह इनक्यूबेटर आपको बारह माह चूजे निकालकर दे सकता है तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मैंने पंद्रह हज़ार की लागत में जो खरीदा है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा दोस्तों आपकी बीस मुर्गियों की खरीद हो गई तीन मुर्गिया आपने खरीद लिए उसके बाद दोस्तों दो इनक्यूबेटर इसके माध्यम से बीस मुर्गिया फिर अंडे कितना देगी बीस मुर्गियों की बात करें तो तकरीबन दोस्तों रेशो माने तो उसके हिसाब से देसी मुर्गियाँ पैंतालीस के हिसाब से अंडे देती है इसका मतलब है आपको प्रतिदिन आठ से लेकर दस अंडे मिलना तय मान लीजिए अभी आठ से आठ से लेकर 10 दस अंडे प्रतिदिन आपको मिल रहे हैं दोस्तों तो इसमें एक बात जान लीजिए कि नौ अंडे अगर आप औसतन पकड़ते हो तो दोस्तों आपके हर माह 270 अंडे तैयार हो जाएंगे इनमें से दोस्तों 15 से लेके 20 अंडों की अगर बात करते हैं तो ये छोड़ दीजिए डैमेज निकल गए कभी मुर्गी ने कम दे दिए हमें किसी किसी भी प्रकार से ज़्यादा पकड़ना नहीं है कम से कम को लेकर आगे बढ़ेंगे 250 इन अंडो को लेकर आपको इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करना है कैसा चलाना है क्या करना है अंडों को कैसा चुनना है जानकारी देना काम है मेरा मेहनत करना काम है आपका दोस्तों मैं मेरे उद्दिष्ट की पूर्ति के लिए वहां पर दिन रात मेहनत करके आपको नॉलेज देने के लिए तैयार हूँ उसके बाद देख लीजिए दोस्तों चलो मैंने 250 अंडे डाल दिए इनक्यूबेटर में और उसके माध्यम से मिलने वाली चूजों की संख्या की बात करें तो हर महा मिलने वाली चूजों की संख्या 200 होगी क्योंकि हम हमारे इनक्यूबेटर जो प्रोवाइड करते हैं इतनी क्वालिटी के इतने भयंकर मजबूत होते हैं इतने जबरदस्त रिजल्ट के लिए होते हैं कि परिणामकारकता ही स्थापित कर देती है दोस्तों मान बिंदु को इस हिसाब से देख लेंगे दोस्तों तो 200 चूजे हर माह मिलेंगे इन 200 चूजों को आपको छह माह तक बड़ा करना होगा उसके बाद दोस्तों कितना भी ज्यादा मोर्टिलिटी रेट पकड़े तो दस प्रतिशत से ज्यादा यानी बीस के ऊपर चूजे नहीं मरते लेकिन हम और ज्यादा पकड़ते हैं दोस्तों 20 प्रतिशत मर गए यानी दोस्तों 40 चूजे मर गए इतना तो डैमेज नहीं होता है चलो हो गया क्योंकि हमें कम पकड़कर ज़्यादा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ज़्यादा पकड़कर हमारा इनकम कम नहीं होना चाहिए 160 सौ साठ मुर्गियाँ और मुर्गे दोस्तों हर छः माह के बाद तैयार होगी और इनको बेचने के बाद होने वाला उत्पन्न कितना 160 का गुणा भाग कर दे दोस्तों तो मुर्गी जाती है कम से कम 400 में मुर्गा जाता है 500 में इससे ऊपर चला जाए तो दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम दोस्तों मिलने वाला औसत मूल्य चार सौ पचास पकड़े जिसमें से खाना पीना मेडिसिन सभी का खर्चा निकाल दे दो का तो दो सौ पचास का शुद्ध लाभ आपको हर एक मुर्गी और मुर्गी के पीछे मिल जाएगा और इसमें से पचास छोड़ देते हैं चलो भाई इमरजेंसी आ गई कहीं पैसे इधर उधर चले गए नहीं जाएंगे तो हमारे ही जेब में आएंगे पकड़ने के लिए क्या जाता है तो 160 मुर्गी और मुर्गों को हर छह माह के बाद 200 के शुद्ध लाभ से बेचेंगे तो आप एक बार सोचेंगे कि इसके माध्यम से आप कहां तक पहुंचेंगे तो दोस्तों इस माध्यम से 160 मुर्गी और मुर्गों को बेचकर होने वाला शुद्ध मुनाफा होगा दोस्तों यहां पर बत्तीस हजार का बत्तीस हजार के मुनाफे की बात करते हैं तो दो हजार और मेरी तरफ से छोड़ दीजिए दोस्तों तीस हजार तो हो जाएगा एक सवाल आपके मन में पनपने से पहले ही उसका जवाब देता हूं कि सर बात वीडियो की शुरुआत में आपने हर माह की की थी और क्या यह झमेला लगा दिया कि हर छह माह बाद आपको तीस हजार मिलेंगे अरे रुकिए वीडियो की समाप्ति होने से पहले हर सवाल का जवाब दे दूंगा दोस्तों रुकिए देख लीजिए दोस्तों हर छह माह के बाद तो मिलना तीस हजार तय मान लीजिए लेकिन कभी सोचा है कि हर माह इनक्यूबेटर में 250 अंडे डाले जाएंगे हर माह बैच 200 की निकलेगी पहले छ माह तक इनकम नहीं होगी लेकिन पहले छ माह जब गुजर जाएंगे उसके बाद आने वाले प्रति माह को दोस्तों यहाँ पर आपको तीस हजार का मुनाफा मिलना तय नहीं गारंटी मान लीजिए मुझे एक बात आपसे पूछनी है दिल पर हाथ रख के बताइए अभी आप कितना कमाते हो दोस्तों आप किसी को भी झुटला सकते हो झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद के दिल को खुद के दिमाग को तो झूठ नहीं बोल सकते हो तो सोच कर देखिए दोस्तों अभी मैं आपसे रूबर हूं मैं आपको समझा रहा हूं आपकी कमाई आप आपके नजरों के सामने लाइए और सोचिए ना एक बार दोस्तों कि क्या मुर्गी बीज खरीदना मुश्किल है क्या तीन मुर्गों को लाना मुश्किल है नहीं क्या इनक्यूबेटर के माध्यम से चूजे प्राप्त करना मुश्किल है नहीं फ्री में गाइडेंस देने वाला कौन चाहिए मैं हूं ना उसका भी दिक्कत नहीं है उसके बाद मुझे बताइए छह माह के बाद मुर्गी चार सौ को और मुर्गा 500 सौ को जाएगा क्या सौ प्रतिशत जाएगा इनका फिर का खर्चा दो सौ में एडजस्ट हो जाएगा क्या मैं करके दूंगा दिक्कत नहीं है तो मुझे बताइए अगर सभी बातें हाँ है तो गलती कहां है गलती हमारी सोच में है हम 200-300 के लिए 12 से लेकर 14 घंटे काम करने के लिए तैयार है लेकिन हमें खुद को ही नहीं लगता कि अंधकार में जो दुनिया है हमारी उसकी गरीबी हट जाए दोस्तों कोई फरिश्ता आएगा हमारी गरीबी हटा कर जाएगा ऐसा नहीं होता है वो तो सिर्फ कहानियों में होता है अगर दोस्तों सच में आपको भी यहां पर कुछ तो जमाने को करके दिखाना होगा तो यही वह समय है कि उठकर खड़ा होना पड़ेगा देसी मुर्गी बाहे फैला कर आपके लिए खड़ी है दोस्तों और साथ ही में आपका यह भाई उदय लाड़ भी आपके लिए दोस्तों बाहे फैला कर खड़ा है क्या आप सहायता लेकर आगे बढ़ना चाहते हो अगर हाँ तो दोस्तों फिर किस सोच में डूबे हो लगाइए फोन चौरासी इक्कीस बयासी बासठ बासठ पर उचित नॉलेज दिया जाएगा समझाया जाएगा अगर उसके बाद आपका मन कहता है नहीं ठीक है कर दीजिए नहीं तो ना किस पर जबरदस्ती थी ना है ना रहेगी दोस्तों खुले मन से आपको एक बात बताता हूं फरिश्ता आता नहीं है फरिश्ता तैयार किया जाता है और यह देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय फरिश्ते क्या कम है दोस्तों एक बार सोचकर देख लीजिए दोस्तों बाकी आपका आपका स्वतंत्र निर्णय होगा मैं मेरा कारवाह लेकर आगे चल रहा हूं जिसे आना है सम्मिलित होना है आइए मेरा यह दोस्तों जो पिटारा है सभी के लिए खुला है जो आना चाहता है आइए किसी को भी मैं ना नहीं कहूंगा लेकिन यहाँ से चार से लेकर पांच साल के बाद का भविष्य देखिए महंगाई बढ़ रही है रोजगार नहीं है और गांव देहात के अलावा कहीं भी रहना वहाँ पर मुश्किलों से भरा है क्योंकि वहाँ पर रेंट देना पड़ता है सभी तरकारी हमें जो है दोस्तों खरीदनी पड़ती है ऐसे में आपकी आमदनी कितनी हो रही है देखिए आपको पेमेंट तीस हज़ार हो चालीस हज़ार हो आखिर में आपके पास एक माह के बाद बचत कितनी होती है यही है दोस्तों सबसे बड़ा आईना और इसको कोई भी खुद तो झुटला नहीं सकता है इसलिए दोस्तों यह दुनिया की सबसे बेहतरीन संकल्पना मैंने आपके सामने पेश की क्योंकि मेरे सामने एक ही उद्देश्य और उद्दिष्ट है कि भारत की एक करोड़ की जनसंख्या के सामने रोजगार का सबसे बेहतरीन अवसर पहुंचा सकूं मैं हर दिन प्रतिदिन मेरा काम को अंजाम देता रहूंगा मेरी मंजिल जब तक 142 करोड़ जनसंख्या तक मैं ये संकल्पना नहीं पहुंचाऊंगा तब तक अविरत शुरू रहेगी आपसे भी सहायता मांगता हूं दोस्तों कि आपके पास कोई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप ग्रुप हो टेलीग्राम के ग्रुप हो फेसबुक हो इंस्टाग्राम स्नैपचैट कृपया विनती और गुजारिश करता हूं कि दोस्तों दो चार लोगों को तो भी शेयर कर दीजिए दो चार लोगों का तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे दोस्तों भाग उनके खुल जाएंगे और दोस्तों ये जो है नसीब बदलने वाली संकल्पना उनको समझ पाएगी तो दोस्तों हर एक व्यक्ति ने कम से कम पांच व्यक्तियों को वीडियो शेयर कर दीजिए और से कम से कम चार पांच व्यक्तियों का सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भारत में देसी क्रांति जल्दी से जल्दी वहां पर फैल सकेगी इसके बारे में क्या है आपका विचार दोस्तों यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए पसंद आया होगा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब रहा होगा तो हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ दोस्तों मैं आप सभी को अपना मानता हूं आप भी मुझे अपना मानते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को करने के लिए प्रवर्त कीजिए इसलिए वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हो ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आने वाला हर वीडियो समय समय पर मिल सके तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय आप सभी के चाहिए चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान में मिलता रहूँगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार